अगर मस्जिद वाले ये ऐलान कर दें कि फजर की नमाज में जो भी भाई आएंगे उनको 500 रुपया मिलेगा, तो भला बताइए फजर में जगह मिलेगी? सिर्फ 500 रुपए के लिए फजर में जगह मिलेगी ही नहीं, और जितने लोग आएंगे सबको 500-500 मिलेगा। तो हम और आप अपने बेटे को भी ले आएंगे और उस वक्त अफसोस भी करेंगे, यार मेरे पास एक ही बेटा है, एक ही का 500 मिलेगा। अगर 10 को बेटा होता तो कम से कम 10ों का 500-500 मिलता अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए सिर्फ 500 के लिए फजर में मस्जिद भर जाए, और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया हमको दे दी है। सबसे बड़ा मालदार कौन है भाई? गूगल वाले बिल ग्रेट्स। अपने इंडिया के अंदर लेते मुकेश अंबानी है, अदानी है, सब अलग अलग है, लेकिन सब अलग अलग मालदार हैं, लेकिन आप सबको मिल के मालदार हैं, नहीं समझे? सब लोगों के पास पैसा अलग अलग होगा, लेकिन सब लोगों का पैसा एक साथ उससे बड़ा पैसा आप लोगों के पास है। अरे मौली साहब मजाक कर रहे हैं का? मौली साहब मजाक नहीं कर रहे हैं। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद किताब नंबर 5 हदीस नंबर 725, रक अतल फजरी खैरुम मिन दुनिया वमा फीहा। फजर के वक्त की दो रकत, चाहे वो फर्ज हो या सुन्नत हो, दो रकत पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में जितना सामान है उससे बेहतर है। तो बोलिए अंबानी अंदर आए कि नहीं आए, अदानी अंदर घुसे कि नहीं घुसे, अजीम प्रेम जी अंदर आए कि नहीं आए, बिल गेट्स अंदर आ गए कि नहीं आ गए। तो सब अलग अलग हैं, लेकिन आपने सबको एक साथ जमा कर लिया है। लेकिन शर्त क्या है? फजर की दो रकत सुन्नत की पाबंदी होगी तब, फजर की नमाज की पाबंदी होगी तब।